Welcome to 21 days lockdown fitness video. मैं हूं विनायक सिन्हा, I'm an actor and a fitness enthusiast. Well, आज day 16 है और ये last week चल रहा है और आखिरी के आप सिर्फ कुछ दिन ही बचे. So let's give our maximum. So आज level 3 में हम करने वाले हैं bicep, triceps और last में हम करेंगे cardio. लेकिन bicep, triceps के हम जितने भी exercises आज करने वाले हैं वो सारे हम करने वाले हैं 5 सेट ईच और जो नंबर ऑफ काउंट्स होगा वो 20 काउंट्स ईच होगा. ये सब मैक्सिमम इंटेंसिटी में होने वाला है क्योंकि ये लास्ट वीक चल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद बाइसेप्स. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद बाइसेप्स वर्कआउट. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑडियो लेवल है वो थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि मैंने माइक निकाल दिया है. आई हैड अ वायर्ड माइक लेकिन मैं वायर्ड माइक लगा के एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं और वायरलेस माइक लेने में बाहर में नहीं जा सकता हूं जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है. बट आई विल बी इट लाउड ताकि आपको मेरी आवाज आ सके. देखिए Let's start with today's workout. Level 2, level 3 में हम बैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैवल बैक का इस्तेमाल कर रहे हैं. आप अपने लिफ्टिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने बुक्स और कपड़े डाल सकते हैं. सबसे पहले हम बाइसेप कर्ल करेंगे. उसके लिए हमें ये बड़े वाले स्ट्रैप की जरूरत है. आपको बॉटम में इसे पकड़ना है, आपको इसको पहले बैलेंस करना है कुछ इस तरीके से. ये देखिए आप इसको बॉडी को आप क्लोज रखना है अपने आर्म्स को और इस तरीके से आपको लिफ्ट करना है. 1, 2, 3. मैं आपको प्रोफाइल में दिखा दूं. देखिए आप हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने बाइसेप्स के लिए करेंगे वो अपने बाइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करेंगे. ये सिंगल हैंड करेंगे. उसके लिए भी हमें ये ट्रैवल बैग की जरूरत है लेकिन हमें इस हैंडल की जरूरत है. इसके जो ग्रिपिंग होगी ये देखिए ऊपर में आपको ग्रिपिंग करना है. पहले मैं आपको पोजिशनिंग दिखा दूं, मैं बता दूं कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है. लुक एट दिस. फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको ऊपर की तरफ लोगे तो आप इसको ट्विस्ट करोगे. जी हाँ, अपने आर्म्स को रिस्ट को ट्विस्ट करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. 1, 2, 3. इस तरीके से आपको करना है. मैं वेट के साथ आपको दिखा दूं. देखिए जब आप इसको लिफ्ट कर रहे हैं सीधा लिफ्ट करेंगे लेकिन ऊपर लेने के बाद आपको रिस्ट को ट्विस्ट करना है. 1, 2, 3. अब मैं आपको दूसरे हाथ में दिखा दूं. ये देखिए 1, 2, 3, 4. तो आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने बाइसेप्स के लिए करेंगे उसके लिए भी हमें ये ट्रैवल बैग की जरूरत पड़ेगी और उसमें भी हमें ये बड़े वाले स्ट्रैप की जरूरत पड़ेगी. पहले मैं आपको पोजीशनिंग बता दूं कि कैसे करना है. देखिए इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज. आज हमें जितने भी एक्सरसाइजेस करने हैं वो हमें 20 काउंट्स ईच करना है. देखिए इसकी जो ग्रिपिंग होगी आप इसको हाफ लोगे और हाफ अबव लोगे, यानी कि 1, 2, 3. ये आप 10 टाइम्स कर रहे हैं. उसके बाद आपको यहां से ऊपर लेना है 1, 2, 3, 4. ये आपको 10 काउंट्स करना है, यानी 10 काउंट्स नीचे से, 10 काउंट्स ऊपर से, ये टोटल 20 काउंट्स होगा और इसके आपको 5 सेट्स करने. अब मैं आपको वेट के साथ बता दूं इसे कैसे करना है. ये देखिए आपको पहले बैलेंस करना है कॉर्नर में. इस तरीके से बैलेंस हो गया. अब आप लिफ्ट कीजिए हाफ. 1, 2, 3, 4. अब आपको ऊपर पूरा लेना है. 1, 2, 3, 4. मैं आपको प्रोफाइल में दिखा दूं. पहले नीचे हाफ 1, 2, 3. अब ऊपर 1, 2, 3. ये 10-10 काउंट्स ईच करेंगे तब जाके ये 20 पूरा होगा. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपने बाइसेप्स के लिए वो हैमर कर्ल करेंगे. उसके लिए हमें बड़ा वाला स्ट्रैप चाहिए. ये देखिए पहले आप इसको बॉटम में एकदम पकड़ लीजिए और बैलेंस कर लीजिए कुछ इस तरीके से. आप जब बाइसेप्स कर रहे थे तो आप इस तरीके से लिफ्ट कर रहे थे. अब जब हैमर करेंगे तो इसकी जो ग्रिपिंग होगी वो ऐसे नहीं होगी, ऐसे हो जाएगी. मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये पहले की ग्रिपिंग थी, अभी हैमर कर्ल में ये ग्रिपिंग हो जाएगी. अब इसको आपको पुल करना है क्लोज टू योर बॉडी. 1, 2, 3, 4. मैं आपको प्रोफाइल में दिखा दूं. 1, 2, 3. जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने बाइसेप्स के लिए करेंगे वो रिस्ट कर्ल करेंगे. उसके लिए भी हमें ट्रैवल बैग की जरूरत है, ये बड़े वाले स्ट्रैप की जरूरत है. इसकी ग्रिपिंग कुछ इस तरीके की रहेगी और ये अपने हाथ को अपने पैर में रेस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से. एंड आई हैव टू आपको सिर्फ रिस्ट को ट्विस्ट करना है. 1, 2, 3, 4. हाथ नहीं उठेगा. 1, 2. मैं आपको प्रोफाइल में दिखा दूं.
ट्राइसेप्स के लिए हम जो करने वाले हैं वो डिप्स करने वाले हैं चेयर की मदद से। चेयर पे पहले आप थोड़ा सा बैठ जाइए कॉर्नर में, हाथ को आपको अपने बॉडी के क्लोज में रखना, बैक एकदम आर्च रहेगा और आपको अब नीचे की तरफ जाना, ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने ट्राइसेप्स के लिए करेंगे वो ट्राइसेप एक्सटेंशन करेंगे। ट्रैवल बैक की जरूरत है, ये छोटे वाले हैंडल की जरूरत है, इसकी ग्रिपिंग एकदम टॉप पे आपको इस तरीके से पकड़ना है। चेयर ले लीजिए, चेयर पे रेस्ट कर लीजिए बैक को, इसको पीछे की तरफ लीजिए इस तरीके से, एंड नाउ टू गो डाउन 1 2 3 4। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो फ्लोर डिप्स करेंगे, उसकी ग्रिपिंग कुछ इस तरीके की होगी, इस तरीके से आपको फ्लोर पे रखना है एंड योर हैंड शुड बी क्लोज टू योर बॉडी कुछ इस तरीके से, ये देखिए बैक स्ट्रेट, नाउ क्लोज टू योर बॉडी, गो डाउन 22 ट्राइसेप्स के बाद हम करेंगे कार्डियो, और कार्डियो हम जो घर में कर रहे हैं वो कर रहे हैं होम स्किपिंग, और वही सेम तरीका है जो कि हम लेवल 3 में कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं, कार्डियो हमें 200 काउंट्स एक्स्ट्रा करना है कल से। फॉर एग्जांपल अगर कल आप 1000 काउंट्स कर रहे थे तो आज आपको 1200 काउंट्स करना है। लेकिन गाइज मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप 200 काउंट से ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि आप 250 या 300 सरप्लस काउंट्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 200 तो मिनिमम सरप्लस काउंट्स आपको आज करना ही करना है। वेल, ये मैसेज उन व्यूअर्स के लिए है जो डायरेक्टली डे 10 या 12 के वीडियो को देख रहे हैं। देखिए गाइज, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये एक 21 डेज का वर्कआउट वेट लॉस प्लान है, और अगर आप भी वेट लूज करना चाहते हैं तो इस सीरीज को आपको डे 1 से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि हम डे 1 में, डे 2 में, डे बाय डे इनफैक्ट किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और डे बाय डे हम किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने डाइट पे किस तरीके का ख्याल रख रहे हैं। सो इफ यू रियली वांट टू लूज वेट, आई सजेस्ट यू कि इस सीरीज को आप डे 1 से देखिए। फिटनेस टिप्स ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको वेट लूज करना है या फैट लॉस करना है तो आप कार्डियो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्डियो के साथ साथ आपको उस दिन वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए। देखिए, इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं आपको समझा देता हूँ। समझिए, आप कार्डियो में स्किपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक दिन में 250 टू 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। उसी दिन अगर आप 45 मिनट्स के लिए वेट ट्रेनिंग भी करोगे तो आप अलग से एक्स्ट्रा 350 टू 400 कैलोरीज और ज्यादा बर्न करोगे, तो टोटल कितना हो गया, अराउंड 650 टू 700 कैलोरीज आप एक दिन में ज्यादा बर्न कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि जो वेट लॉस आप चाहते हैं वो जल्दी होने वाला है, यही सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग। जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि एक्सट्रीम बूस्ट टू वेट एंड फैट लॉस। देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे तो डेफिनेटली वेट लूज आप जल्दी करोगे, फैट लॉस भी होगा, ये उसको अलग से बूस्ट करेगा। उसी के साथ साथ स्ट्रेंथ की गेनिंग होती है, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, आप डंबल्स या वेट्स लिफ्ट करते हो तो स्ट्रेंथ की गेनिंग होती है, मसल बिल्ड होता है, लेकिन कहीं से भी वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होता है। उसी के साथ साथ लिफ्टिंग वेट्स इंक्रीजेस बोन डेंसिटी। देखिए क्या होता है, व्हेन यू ग्रो ओल्ड ना, तो बोन में लॉस होता है, तो उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए अगर आप कंसिस्टेंट हो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो बोन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होने वाली है। उसी के साथ साथ अगर आप वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है, हमेशा आप फ्रेश फील करते हो। आपने देखा भी होगा कि अगर आप जिम से बाहर निकल रहे हैं, आप सुबह कार्डियो करके बाहर निकल रहे हैं, रनिंग करके बाहर निकल रहे हैं, आप शावर लेके जब बाहर निकलते हैं तो आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग। उसी के साथ अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात की जाएगी तो वेट ट्रेनिंग से बहुत बार ऐसा अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बोला गया है कि वेट ट्रेनिंग से आप डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी कुछ हद तक टैकल कर सकते हो, यू बिकम स्ट्रॉन्गर। उसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि वेट ट्रेनिंग से डेफिनेटली आप फिजिकली तो स्ट्रांग होते ही हो, लेकिन उसी के साथ साथ आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हो। देखिए, ये पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया
बताया था कि आप जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं आप उनको टैकल कर सकते हो. वो क्यों टैकल कर पा रहे हो? क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो. तो डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग से आप फिजिकली तो स्ट्रांग हो गए, लेकिन आप मेंटली भी स्ट्रांग होने वाले हो. और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो कार्डियो तो डेफिनेटली करें, लेकिन उसी के साथ साथ उस प्लान में आप वेट ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करें. इनफैक्ट जो ये मैं 21 डेज का वर्कआउट प्लान मैंने बनाया है वेट लूज का, अगर आप इस प्लान को समझें तो इस प्लान में वेट ट्रेनिंग भी है और कार्डियो भी है. तो उससे फर्क क्या होगा? उससे फर्क ये होगा कि आप एक दिन में ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, और अगर आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे तो वेट लूज भी जल्दी होगा और फैट लॉस भी जल्दी होगा. सो गाइज, इस रैप अप टाइम, आई विल सी यू टुमारो इन डे 17. वेल, अब आखिरी के सिर्फ कुछ दिन ही रह गए हैं, सो लेट्स गिव मोर देन 100%, क्योंकि ये लास्ट के कुछ दिन में हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है. वेल, तो आई विल सी यू टुमारो. उसी के साथ साथ अगर आपको ये फिटनेस कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें. इनफैक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो भी कर सकते हैं, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर फिटनेस कॉन्टेंट. टिल देन अपना ख्याल रखें, एंड यस, प्लीज़ कीप अ सेफ डिस्टेंस.